पर एक कंटारा ने नॉन लैंग्वेज में 20 करोड़, ऋषभ शेट्टी को बोलेगा 20 करोड़ कलेक्शन देखो आप सिर्फ नॉन लैंग्वेज, हिंदी में आएगा तो क्या करेगी, जिन्होंने देखी नहीं वो हिंदी में वेट कर रहे हैं वो लोग। पूरे इंडिया में 3 दिन में 20 करोड़ का कमाई किया, मतलब हालांकि बजट कितना भी रहने दे बट जो रिस्पांस और जो कार्तिक टू सीताराम पसंद करेगी क्या, फट जाएगी, पसंद छोड़ो फट जाएगी। बोला आज तक जितना होता देखा राज देखा है 1990 सब भूल जाओगे आप लोग। ये पब्लिक भी ये बोलती रही सारा कठपुतली देख के तो बड़ा मूड ऑफ हो गया, कांतारा देख के तो खुश तो होऊंगा थोड़ा फटने जैसा तो लगेगा, कठपुतली देख के भी उतना भी नहीं फटा मेरा। मैटनी वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों कांतारा जहाँ तो दोस्तों ये तो इंडिया में तबाही मचा ही रही है लेकिन वर्ल्ड वाइड भी तबाही मचा रही है। जहाँ दोस्तों इंडिया में इसके कलेक्शन 20 करोड़ पार कर गई है, चलिए जानते हैं हम अपन हमारे जो टॉम एंड जेरी से वो कितने खुश है क्योंकि इस मूवी को उन्होंने देखा कल जाके गोरेगांव हम मॉल में और yes. इनकी इतनी फटी रही कि रात भर ये सोए भी नहीं yes. रातों का नींद आराम हो गया, रातों का नींद आराम हो गया। अभी आप लोगों का कलेक्शन जान के भी नींद आराम होने वाला है। ये गलत क्या ऋषभ शेट्टी आपने गलत किया, ऋषभ शेट्टी ने आप लोगों से जानते हैं कि आप लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया था कि इतनी कलेक्शन करेगी ये मूवी। कांतारा बोले तो यार कल ही तो मूवी देख के आए हम लोग, संडे को ही बोल सकता हूँ मैं, देखने गए एक कुछ प्लान नहीं था, प्री प्लान था हम लोग, मतलब ऐसे मतलब ताबड़तोब गए, बोला चल भाई देखते हैं कन्नाडा की मूवी है भाई, उन लोग पे भरोसे आग बंद करके भरोसे, उनके पास स्क्रिप्ट ऐसे दमदार रहती। और क्या हुआ हम लोग का रिव्यू तो आपने देखा रहेगा मूवी का कैसा था, फट गई। मैं माँ कसम बोले मैं सोया नहीं रात में, मेरे को ऋषभ शेट्टी सपने में आ रहे आग बंद कर रहा था वो लुक में क्लाइमैक्स का सीन, सीरियसली बोल रहा हूँ सीरियसली, मेरा मतलब बोले ना मैंने हॉरर मूवी देख के मैं सोता हूँ पर हॉरर से भी एकदम बदतर भी नहीं, बोल सकता क्या बोलूँ मैं वज्जी नहीं, इतना भयंकर, बहुत भयंकर। और सच में सो अभी मेरा तो क्या कि जितने लोग ने देखा भी रहेगा उन लोग भी सोए नहीं रहेंगे, जितने लोग आप कमेंट में बता रहे ना आप सोए कि नहीं, मैं तो भाई मेरे को तो सो ऋषभ शेट्टी आ रहा था, मतलब क्या भाई उसका लुक देख के एंडिंग का भाग, और वो इंटर के टाइम पे जैसे वो भूतिया आती ना उसका भी एक लुक आ रहा, मतलब उसको लुक भी ऐसा दिया ना मतलब उसकी रियल शक्ल ही नहीं दिख रही वैसे उसको लुक दिया था। बाकी अभी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ इंडिया में, इट्स अ कन्नाडा लैंग्वेज और 20 करोड़ 3 दिन में, आज का दिन तो पकड़ आज का दिन का कलेक्शन पता नहीं बट 3 दिन में तोड़फोड़ 20 करोड़, वो भी कन्नड़ा सिर्फ लैंग्वेज में, इतना एक्सपेक्ट नहीं था। अरे कन्नड़ा मतलब मैं 5 या 6 करोड़ पर पकड़ लेगा इंडिया, 20 करोड़ मतलब पब्लिक जा का रही है। देखो अभी जा रही है विक्रम वेदा, जा रही है PS1, कहाँ जा रही है, नॉन हिंदी लैंग्वेज। अभी मैं एक ही बात बोलूँगा, कलेक्शन तो आपको पता है, अभी एक ही बात बॉलीवुड को बोलूँगा भाई ब्रह्मास्त्र सिर्फ हिट हुआ है तो बॉलीवुड इज नॉट कम बैक, कुछ करो नहीं तो देखो अभी तो सिर्फ नॉन लैंग्वेज वाली मूवी हाउसफुल हो रही है, कल उठ के क्या हो जाएगा, अभी बंगाल गुजराती आएगी, बंगाली आएगी, बंगाली में भी अच्छी अच्छी मूवी आ रही है वहाँ पे भी चालू, अभी वो लोग भी सोच रहे एक आ रही है, मतलब समझ लो भाई 20 से अभी बंगाली आ रहा है तो 20 से बॉलीवुड किधर गया। अभी तो पंजाब का एक मूवी भी आया था जोगी, तो OTT पे निकला, हाँ पर फिर भी अगर थिएटर में आता आग लगा था, पर ठीक है, पर एक कंटारा ने नॉन लैंग्वेज में 20 करोड़, ऋषभ शेट्टी को बोलेगा 20 करोड़ कलेक्शन देखो आप सिर्फ नॉन लैंग्वेज, हिंदी में आएगा तो क्या करेगी, जिन्होंने देखी नहीं वो हिंदी में वेट कर रहे हैं वो लोग, फाड़ देगा सिनेमा के, फाड़ देगा पर्दे, मतलब बोले तो वो लोग तो भाई ये, और मैं तो देखो कन्नड़ा में देखा पर मैं बहुत हिंदी में भी वेट हूँ देखने के लिए, हिंदी में निकलेगा ना मैं तो जाऊँगा ही देखने और फर्स्ट डे जाऊँगा उस दिन जिस दिन निकलेगा। तो ऋषभ शेट्टी को मैसेज पहुँच रहा हूँ जो भी हमारे व्यूअर शेयर करो जितना होता शेयर करो, छोटे घर से बड़े बंगले तक जाने दो वीडियो, ऋषभ शेट्टी पहुंचा बोला हिंदी में चाहिए हमको वैसे मूवी, ये मैं बोलूँगा। बाकी हमारे जेरी भाई क्या बोलते हैं अभी कांतारा, मतलब ये है ना वो डायरेक्टर जो है मूवी के शायद उनको भी एक्सपेक्ट नहीं रहेगा, वो भी शौक में रहेंगे, मतलब यार उन्होंने ना खाली एक ही लैंग्वेज में रिलीज किया खाली कन्नड़ा yes. और पूरे इंडिया में 3 दिन में 20 करोड़ का कमाई किया, मतलब हालांकि बजट कितना भी रहने दे बट जो रिस्पांस और जो प्यार मिल रहा है सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई है, मतलब पब्लिक को तो आई थिंक सो साउथ का तो बात छोड़ ही दो, पूरे इंडिया में डायलॉग्स को किसको समझ में नहीं आएगा बट जिस तरीके से उन्होंने मूवी प्रेजेंट किया उससे पब्लिक जो पागल हो रही है ना वो देखने लायक। बजट में लगता भी नहीं इतना रहेगा क्योंकि कनाडा का बजट कितना रहा, 15-20 करोड़ की मूवी बनती है, अगर सोचो अगर सिर्फ 15-20 करोड़ की बजट रहेगा तो हिंदी में मतलब इंडिया में कमा ली है तो कनाडा में तो धूम मच रहा है, वहाँ तो 100 करोड़ पार हो गया अभी तक उनका तो नसीब अच्छा है, मतलब क्या बोलूं, मतलब ऊपर से गॉड गिफ्टेड है या भगवान का आशीर्वाद है, खाली कन्नड़ा में है ना पूरे इंडिया में तबाही मचा दी है। सोचो इतना, मतलब अभी तो फिलहाल हिंदी में और वेरियस लैंग्वेज में आना बाकी है, आ गई ना मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टू KGF है, सीधी बात नेक्स्ट टू KGF धमाका मचाएगी। अरे खाली 3 दिन में 20 करोड़ का हंगामा मचाया तो सोचो हिंदी में आएगा तो यार KGF के दिन याद दिलाएगा,
पब्लिक है ना फाड़ देगी, चिल्ला पुकारा करेगी, बोले ना पागल हो जाएगी, क्योंकि मूवी ऐसा है ना कि पब्लिक को हिला के रख दे, फाड़ दे, डर डर के जाए पब्लिक थिएटर से निकले, तो ऐसा मूवी बनाया है। और पब्लिक क्यों नहीं पसंद करेगी यार, जबकि कार्तिक है टू सीताराम पसंद करेगी क्या, फट जाएगी, पसंद छोड़ो फट जाएगी। बोला आज तक जितना हो रहा देखा राज देखा है 1990 सब भूल जाओगे आप लोग। ये पब्लिक भी ये बोलती रही साला कठपुतली देख के तो बोला मूड ऑफ हो गया, कांतारा देख के तो खुश तो होऊंगा थोड़ा फटने जैसा तो लगेगा, कठपुतली देख के भिंडी उतना भी नहीं फटा मेरा, जरा भी नहीं फटा, कांतारा देख के तो पूरा फट गया मेरा, में था ही क्या फटने जैसा, वो ऑडियंस का सर फट गया देख के, सर फटक रहे उल्टा बाहर जाके चलते का बात के बाद अक्षय कुमार तो चलेगा। बस यही बोलना चाहूंगा कि सच में बॉलीवुड वाले देख लो, अभी साउथ ने ना खाली एक लैंग्वेज में रिलीज करके इतना धमाका मचा है, अभी भी टाइम है सुधर जाओ बहुत, मतलब इतना भी टाइम बिगड़ा नहीं है अभी तो, खाली ये साल है ना साउथ वाले ने लिया मेरे को जहाँ तक लग रहा है, नेपाल भी आई है, नेपाल भी कमाई है अच्छी खासी इंडिया में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ इंडिया में अच्छी खासी, मालूम है पब्लिक उठ के आएंगे कमेंट्स में वाले भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ पब्लिक का नहीं भाई, पिछले संडे को प्रेम गीत देखने पब्लिक हाउसफुल की, कंटरा नॉन लैंग्वेज हिंदी रहेगा चलो समझते है कि हाँ पब्लिक, कन्नड़ लैंग्वेज मतलब चलो कन्नड़ा वाले है अपने इंडिया में रहते वो लोग गए, पर जिसको अभी मैं गुजराती हूँ तेलुगु है हम लोग कन्नड़ा मालूम है फिर भी हम लोग देखे, सोचो मैं जब थिएटर में पाव रखा एक सीट खाली नहीं, एक सीट खाली नहीं, बोला महा कसम मैं बोलो कि भाई क्या हो गया, मतलब किधर है भाई विक्रम वेदर किधर है, PS1 किधर है, PS1 पूरा खाली था थे हम लोग गए थे खाली लगा, पर यहाँ पे पूरा सीट भरा हुआ है, सच में पूरा भरा हुआ है, एक ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि हाँ भाई यहाँ पे सीट खाली तो हम बैठ जाए, अरे वो भी आके बैठ रहा है उसमें, वही ऐसा सीन है। और हम लोग को मतलब सबसे मतलब अच्छा लगा कि यार हम लोग ने मूवी को मिस नहीं किया, देखा कन्नड़ लैंग्वेज में, और मैं इतना बोले ऋषभ शर्मा हिंदी में निकालो, इनफैक्ट मैं खुद तेलुगु का रह के मेरे को समझ में नहीं आया कन्नड़, अरे मेरे को समझ में नहीं आया मजा, अरे सब टाइटल रह के भी हम लोग सब टाइटल नहीं पढ़ रहे, बस एक्टिंग फोकस स्टोरी देख रहे, शेट्टी पे पूरा फोकस था बंदे ने, ऐसा बनाया ना पिक्चर तो पब्लिक का सब टाइटल छोड़ो सब टाइटल देखो ही मत, मेरे को देखो जरूरत ही नहीं है, ऐसा बना दिया मूवी, सोचो उसका एक्शन ही है ना, वो एक इंग्लिश में कहावत है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अभी मैं इसमें ना रिसर्च करूंगा कि ऋषभ शेट्टी ने कितना टाइम लिया राइटिंग के लिए, कितना टाइम लिया डायरेक्शन के लिए, कितना साल लिया, ये मैं रिसर्च करूंगा मूवी के लिए। और एक बात बोलना है ऋषभ शेट्टी सर, हमको है ना ये मूवी हिंदी में देखना है, भले आप तेलुगु में भी निकालो मैं देख लूंगा, बट हमारे यहाँ पे भी ऑडियंस है जिनको हिंदी में देखना रहता, बट साउथ की लैंग्वेज को इनको समझ में नहीं आता, मैं हालांकि तेलुगु से हूँ, स्टोरी तो मालूम पड़ गया बस डायलॉग सुनना है, बस हिंदी में निकालो, ये हमारी इच्छा है या जो भी हमारी विश है, हिंदी में निकालो, हिंदी में निकालो प्लीज, ये मैं चाहता हूँ कि जो लोग ने कन्नड़ा में नहीं देखा अभी तक मूवी, वो लोग हिंदी में वेट कर रहे हैं मूवी के लिए, तो बस उनके लिए निकालो, हम लोग ने देखा, हम लोग को स्टोरी पता है क्या है, पर डायलॉग नहीं पता, डायलॉग सुनने की क्या भयंकर डायलॉग, क्योंकि वो जो भूतिया वाला सीन भी जो एकदम भयंकर में बोल रहा है ना, इतना मतलब वो लग रहा है ना कि बोला कि वो डायलॉग रहेगा क्या, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आया कन्नड़ा में, पर वो डायलॉग रहेगा क्या ऐसा। और एक विषय है, जब आप हिंदी में निकालेगा ना सबसे पहली बार थिएटर में निकालो, OTT में मत लाना, हां OTT में मत निकालो, हमको हमारी इच्छा है ना ये इसको हिंदी में देखेंगे, पर फिर से हम थिएटर में देखेंगे, थिएटर में। और मेरे को लगता है ये रिस्पॉन्स देख के ना 20 करोड़ जो कमाई इंडिया में, मेरे को दावे के साथ बोलता है ऋषभ शेट्टी सोचेगा और निकालेगा हिंदी में, क्योंकि भाई अगर जो इतना अच्छा राइटर डायरेक्टर है तो ये समझदार इंसान है, तो वो इतना बड़ा गलती नहीं करेंगे OTT में निकाल के, मैं बोलूंगा समझदार तो है चलो मानते हो समझदार बहुत है, पर OTT पे नहीं निकाले इतना पक्का मालूम है, वो निकालेगा हिंदी में, सच वो में लेट आएगा वो पता है मेरे को कांतारा चलेगा, बट हिंदी में पहला मूवी थिएटर में लगना, बाकी मैं पूरा ऋषभ शेट्टी किशोर सर जो भी है कैरेक्टर जो भूतिया रोल भी किया है सबने, जो छोटे गाँव लोग जो छोटे गाँव के लोगों ने भी जो अच्छा काम किया उन पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा हमारे मतलब इंडिया से कनाडा तक कॉन्ग्रेचुलेशन, बोला आप ऐसे लाओ इसका सेकेंड पार्ट भी बनाओ, फर्स्ट पार्ट हिंदी में भी लाओ, सेकेंड पार्ट तो पैन इंडिया कर दो, पूरा पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड, बस ये मैं बोलूंगा, बाकी सच में मतलब दिल से है ना सलाम करना चाहूंगा पूरे कांतारा की टीम को, स्पेशली ऋषभ शेट्टी जो इतना एफर्ट्स दिया और आपका मेहनत दिख रहा है अभी पब्लिक में, सच में जो पब्लिक पागल हो रही है आपके लिए, इतना प्यार बरसा रही है, तो सच में पूरे टीम को है ना हमारे पूरे टीम से टॉम एंड जेरी की तरफ से है ना पूरे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप कनाडा में आए और इतना बड़ा धमाका मचा है, यही चाहते हैं, इनफैक्ट मेरे को लगा है दिवाली पहले ही दिख गया ऐसा लग गया हमको ऐसा है हमारे, तो बस इतना ही कहना है, थैंक यू।